सबको नमस्कार। समय की सीमा का मर्यादा रखते हुए सबसे पहले मैं प्रोफेसर गीता सिंह और माननीय इंद्रेश कुमार जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस सम्मेलन के संयोजन और इसमें भाग लेने का एक मौका दिया। तो बेसिकली राष्ट्रीय एकता की सुबह से बात हो रही है, तो उसके लिए चार चीज़ों से मैं शुरू करता हूं, फिर आगे का पथ क्या हो सकता है इस पर थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। नैनम छिद्रम त्रयम शस्त्रम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ओम भूर भुवस्वः तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ला इलाहा इल्लल्लाह महमदर रसूलल्लाह। जब भी हम किसी भी विषय को उसका ज्ञान हासिल करने की यत्न करते हैं तो हमारे साथ एक सबसे बड़ा समस्या ये है कि हम हर चीज को यूरोपियन एपिस्टेमोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखना शुरू कर देते हैं। और यूरोप में दो ही चीज, जब एनलाइटनमेंट हुआ मतलब पुनर्जागरण हुआ और उस टाइम हर चीज को एक द्वंद्वात्मक तरीके से, डायलेक्टिकल तरीके से देखा गया, वाद और प्रतिवाद। उसी तरह हमेशा यूरोपियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जो है मनीचियन डिवाइड, एक ब्लैक है एक व्हाइट है। लेकिन हमारे एक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री को अगर हम देखेंगे तो एक टेक्स्ट है जो आज भी रेलेवेंट है, जिसका हर्मेनेटिक रीरीडिंग हमें करना जरूरी है, वो है भगवद गीता। क्योंकि भगवद गीता ऐसे समय पे उसका आविर्भाव हुआ जब संघर्ष का दौर था, लेकिन वो उसी दौर में उसका रेलेवेंस खत्म नहीं हो गया। आज भी उसका रेलेवेंस क्यों है? क्योंकि वो संघर्ष का शास्त्र है। मेडिटेशन वगैरह तो जरूरी है ही है, लेकिन वो एक संघर्ष का शास्त्र है। जब एक वो संघर्ष का शास्त्र है तो हमारे अंदर और हमारे बाहर जो कुरुक्षेत्र चल रहा है उसको समझने के लिए, उसके सोल्यूशन, उसका निदान तलाश करने के लिए उससे बेहतर कुछ नहीं है। क्योंकि उसके दो कारण है। सबसे पहला कारण यही है कि गुरु या देवता खुद मित्र बन के आपको गाइड कर रहे हैं। श्री कृष्ण परमात्मा खुद अर्जुन को गाइड कर रहे हैं, सारथी बन रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। क्योंकि कर्ता और निमित्त दोनों में इस तरीके का एक बांधव्य है, एक रिश्ता है। कर्ता को जितना निमित्त को जितना, मतलब इंसान को जितना कर्ता चाहिए उतना ही कर्ता को भी निमित्त चाहिए, नहीं तो महाभारत के युद्ध खत्म करने में एक सेकंड लगता श्री कृष्ण को। तो मतलब यह है कि अगर हम आने वाले समय में जब हमको एक आश्वासन मिला हुआ है धर्म संस्थापना संभवामी युगे युगे, तो मतलब आज के युग में अगर हम निमित्त हैं तो हमारे पास इतना पावर है कि हम अपने ये जो ग्लोबल टेररिज्म है इन सब इश्यूज को खत्म कर सकते हैं। कैसे? उसी 5000 प्लस साल पहले वाले एक शास्त्र के आधार पर, जिसके टीचिंग्स के आधार पर। क्योंकि जैसे मैंने कहा 20वीं शताब्दी में अकबर इलाहाबादी ने कहा था, हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर सांस ये कहती है हम है तो खुदा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, क्योंकि नैतिक पथ पर चलने का एक हमारे शास्त्रों में निहित किया गया है। उस नैतिक पथ को कारगर कैसे किया जाए, विजन है, उसको समझने के लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं अफगानिस्तान पे थोड़ा फोकस करूंगा। सब लोगों ने सुबह से चर्चा किया है, लेकिन अफगानिस्तान का जो आज का संकट है वो 1929 में आविर्भाव हुआ। 1929 में डिप्रेशन हुआ, इकोनॉमिक डिप्रेशन, पूरा यूरोप आर्थिक संकट में था। पूरा यूरोप जब आर्थिक संकट में था, अमेरिका वॉज गोइंग टूवर्ड्स ए एज ऑफ गोल्डन स्ट्रेट जैकेट ऑफ कैपिटल, कैपिटलिज्म का गोल्डन स्ट्रेट जैकेट के एज में गया। तो मतलब यह है कि अमेरिका ने कीन्जियन इकोनॉमिक्स को, अपने कैपिटलिज्म को एक तरीके से फायदेमंद कराने का एक यत्न किया। कैसे? डिफेंस इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देके। और 1941 में स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट माइकल कलेकी ने एक नोशन दिया
एक परमानेंट वॉर इकोनॉमी। तो ये जो परमानेंट वॉर इकोनॉमी है वो फायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, रिजल्ट्स हमारे सामने है। आज का जो तालिबान वो क्रिएशन 1929 से जो परमानेंट वॉर इकोनॉमी की नींव डाली गई यूएस इंपीरियलिज्म में, ये इस पॉलिटिकल इकोनॉमी के एंगल से देख सकते हैं। मतलब ये है कि आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था द यूएस को, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी 1929 के बाद, उस अनएम्प्लॉयमेंट को निगेट करने के लिए यूएस में एक पॉलिसी बनाई गई, डिफेंस इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस दो, वहां जॉब्स दो, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, ऑब्वियसली इकोनॉमी इंप्रूव होगी एंड दे सक्सीडेड। बट शस्त्र कौन खरीदेगा, तो उसके लिए पैनिक क्रिएट करना ही है। सुबह से पैनिक के बारे में भी चर्चा हुआ है, पैनिक क्रिएट किया गया पहले कम्युनिज्म डेटांट और न्यू कोल्ड वॉर के आते आते गर्बचो और रोनाल्ड रेगन के टाइम पे कोल्ड वॉर खत्म होने का टाइम आ गया था, इवन बिफोर दैट जिम्मी कार्टर के टाइम पे। द रिजल्ट वॉज अब डिफेंस इंडस्ट्री चलेगी कैसे, हाउ विल द पेंटागन एस्टैब्लिश इट्स ओन हेजेमनी, तो ऑब्वियस सी बात है एक न्यू एनिमी क्रिएट करना एंड अफगानिस्तान ग्रेजुअली एक हॉटबेड बनने लगा बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। तो ये सारा इतिहास क्यों रिलेवेंट है आज के समय में, ये समझना हमें जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने शास्त्रों को या किसी भी स्क्रिप्चर्स को समझने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम मिसलीड होने की कोशिश करते हैं। और आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो एक्सट्रीमिज्म है वो, उसको जिहाद का नाम दिया गया है, बट वो है फितना, दैट टू ए परवर्टेड फॉर्म ऑफ फितना। फितना इज अ लेजिटिमेट इंस्ट्रूमेंट, जब आपका स्टेट आपको अच्छे तरीके से रूल नहीं कर रहा, शास्त्रों के हिसाब से रूल नहीं कर रहा, तो आप फितना कर सकते हो। बट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के खिलाफ कभी भी फितना हो नहीं सकता, इब्न तमिया कहते हैं। बट आज जिहाद के नाम पे फितना हो रहा है अगेंस्ट लोकल पॉपुलेशन, और वो अपने आप को मुजाहिदीन भी कह रहे हैं। मुजाहिदीन का ड्यूटी क्या था, मुजाहिदीन का सीधा सीधा ड्यूटी था कि जो लेजिटिमेट एनिमी है, मतलब एनिमीज में भी लेजिटिमेसी होनी चाहिए, जिसको आप एनिमी घोषित कर सकते हो, ये नहीं कि किसी को भी आप रैंडमली एनिमी घोषित कर दो। कुरान और हदीस में क्लियरली मेंशन है कि आप एक पेड़ भी नहीं काट सकते, लेकिन आज एनवायरमेंट के साथ साथ कितने मासूम लोगों की जाने भी जा रही है, और ये अपने आप को एक तरीके से मुजाहिदीन का डेफिनेशन है। क्योंकि काफिर, मुनाफिक और मोमिन, ये तीनों का डेफिनेशन मुझे नहीं लगता किसी भी जो डेमी गॉड्स बने हुए टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के जो जितने भी चीफ है, वो इन तीनों का डेफिनेशन जो है थोड़ा कंफ्यूज कर, क्योंकि बहुत साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने एक हदीस में कहा था कि बहुत साल बाद ब्लैक कलर क्लोथ्स में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो इस्लाम को गलत तरीके से इंपोज करने जाएंगे, और उसके थोड़े साल बाद अरेबिया में कैरेजाइट्स आए, एंड दोस कैरेजाइट्स रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स व्हेन द इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया एमर्ज, और इवन लाइक द तालिबान। तो मतलब ये है कि जो रिलीजियन होता है या फिर आपका जो फेथ होता है दीन, वो क्लियरली है ला इकरा फी दीन, दीन में जबर नहीं है, लेकिन जो फेथ है उसको अमल, उस पर जोर जब दिया जाने लगा कि आप किस तरह से नमाज पढ़ रहे हो, किस तरीके से आप किस डायरेक्शन में प्रेयर कर रहे हो, क्योंकि ईस्ट वेस्ट एवरीवेयर अल्लाह इज देयर, बट यहां पर अमल पे जो फोकस किया गया उसमें जो डेफिनेशन था मोमिन, मुनाफिक और काफिर, तीनों में डिफ्रेंसिएशन एक तरीके से इरेज होने लगा। क्योंकि एक मुनाफिक आपको फेक रिलीजियोसिटी दिखा सकता है लेकिन दिल में कभी वो रिलीजन नहीं रख सकता, उसी तरह काफिर जो है वो जब तक आपको ट्रबल ना करे, आपके फेथ को फॉलो करने में या फिर आपकी जिंदगी को कष्ट ना पहुंचाए, आप इजीली काफिर डिक्लेयर नहीं कर सकते, एवरीबॉडी कांट बी कॉल्ड एज ए काफिर। और उसी तरह मोमिन, क्योंकि जो हमारे सो कॉल्ड टेरर के ठेकेदार है उनको ये लगता है सारा जजमेंट यही हो जाएगा, लेकिन सारा जजमेंट यहां नहीं होता, कयामत के दिन
मोहम्मद प्रॉफिट साहब के सानिध्य में खुदा को सबको जवाब देना होगा। मतलब ये है कि खुदा को पता है कौन काफिर है, कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है। ये यहां पर रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन टेररिज्म का एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इकोनॉमी का एंगल है तो रिलीजन लगता है हमको। रिलीजन हैज जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि परमानेंट वॉर इकोनॉमी को सस्टेन करना था और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनको अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करना बहुत दूर की बात है। लेकिन वहां अगर आप देखेंगे मिलिट्री जनरल्स और पॉलिटिशियंस, दे आर वेरी वेल्दी। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ दिस परमानेंट वॉर इकोनॉमी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी वॉज पाकिस्तान इन द नेम ऑफ इस्लाम। उसमें भी हम लोग नॉर्मली पाकिस्तानी आर्मी को क्रिटिसाइज करते हैं, बट उसमें ऐसा नहीं है। उसमें भी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ जनरल से, तीन टाइप के जनरल से होते हैं पाकिस्तानी आर्मी में। सबसे पहले तो एक समझ लो एक नॉर्मल आर्मी ऑफिसर की तरह, जैसे हर देश में होता है, समबडी लाइक आसिफ नवाज झंझवा। दूसरे होते हैं आइडियोलॉजिस्ट, एक तरीके से जो पाकिस्तान आइडियोलॉजी को बहुत कट्टर तरीके से फॉलो करते हैं, समबडी लाइक जनरल याह्या खान, जिसकी वजह से कंट्री एक तरीके से टूट भी गया। तीसरे है इस्लामिस्ट काइंड ऑफ जनरल, जनरल जियाउल हक। यहां से ट्रांजिशन हम सबको पता है हुआ था। तो मतलब यह है कि उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी यूएस एंड अदर सोर्सेस का जो मनी आया था उसकी सहायता से रिलीजन को एक तरीके से यूज करके इस पॉलिटिकल इकोनॉमी का, क्योंकि टेरर एक इंडस्ट्री है। सुबह इंद्रेश भाई साहब ने बहुत सही कहा, कोई भिखारी टेररिस्ट नहीं बनता। तो क्योंकि एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है इसके पीछे, और जैसे मैंने कहा, चूंकि हम यूरोपियन और वेस्टर्न एनलाइटनमेंट अप्रोच को फॉलो करने की कोशिश करते हैं हर चीज को समझने के लिए, हर चीज का एक द्वंद नहीं होता, वाद प्रतिवाद और संवाद, सत्य और मिथ्य के बीच में एक चीज होता है जो इंसान को ही करना होता है, वो है जजमेंट। ये जजमेंट जब हम करना छोड़ देते हैं तब इस टाइप के प्रॉब्लम्स आती है हमारे सामने, क्योंकि क्लियर सत्य कुछ नहीं होता, क्लियर मिथ्य कुछ नहीं होता, बीच में जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब जजमेंट का इस्तेमाल हम छोड़ देते हैं तब हम इस्लाम को और सॉरी रिलीजन को या टेररिज्म का बेस भी मानने लगते हैं और सच्चाई से हम एक तरीके से दूर होना शुरू करते हैं। लास्ट में यही कहना है कि मुख्य तौर पर अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में आगे आने वाले दिनों के लिए हमें करना क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट सारे हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर से उनका एक हर्मेनेटिक रीरीडिंग होना चाहिए, जहां पर जजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एनी कॉन्टेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।